अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीडियो आपके सामने इसलिए सामने आ रहा हूँ क्योंकि कल से मैं काफ़ी सारी चीज़ें सुन रहा हूँ अपने सेहत को लेके सोशल मीडिया पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, शुरू के दो तीन दिन थोड़े से मुश्किल थे, सख्त थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही दिन गुजरते गए तबीयत बेहतर से बेहतर होती गई है। कोई बहुत ज़्यादा इसको सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बीमारी से जो है ना, जब तक आप खुद नहीं लड़ेंगे ना आपको ये नहीं हरा सकती। अपना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल था ये दिन एहतियात के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे मुश्किल जो एहतियात थी वो ये थी 8-9 दिन कि अभी तक मैं अपने बच्चों को प्यार नहीं कर पा रहा, उन्हें सीने से नहीं लगा पा रहा, ख़ासतौर पे जो छोटी अरवा उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। लेकिन एहतियात ज़रूरी है क्योंकि अगर आप महफूज हैं तो सामने वाला भी महफूज है। मुझे था इस बात का कि ये बीमारी होनी है, लगनी है मुझे, इसलिए कि जितना मेरा ट्रैवल था सारा कुछ, लेकिन मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में नहीं हुई। अगर शुरू में हो पाती तो मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता, लोगों तक राशन नहीं पहुँचा पाता। इसमें थोड़ा सा जो जिसे है जो पॉजिटिव हैं या जो पॉजिटिव नहीं, अपना एहतियात इस तरह करें कि साथ में रोज़ इसको स्टीम जो है आप उसके अंदर ब्लैक सीड ऑयल भी डाल सकते हैं उसके अंदर, एंड देन लौंग भी डाल सकते हैं उसके अंदर, सोडा भी, ये भी एक टोटका बड़ा ज़बरदस्त। इन चीज़ों को आप रेगुलर अपनी लाइफ में करते रहें जब तक ये वबा हमारे सरों पर है। इसके अलावा अपना अदरक की चाय ख़ास तौर पे दिन में 2 से 3 दफ़ा विद लेमन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है ये भी। और साथ में डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात करें थोड़ा सा मुलाकातों के हवाले से। कोशिश करें कि जब तक कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है निकलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है घर से, फैमिली में ज़्यादा टाइम गुजारें। और इसके अलावा और दूसरी कोई एक बात करनी थी मैंने, चले साथ में मैं आपसे बात भी करता रहूँगा। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, हरीम खान थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे बहुत दुआओं में याद रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर से, हर जगह से मुझे मैसेजेस मिलते रहे और अच्छा लगा आप लोगों की जो विशेज़ का, दुआओं का। अल्हम्दुलिल्लाह एक ताकत मिलती है इंसान को जब पीछे पता होता है कि पीछे कुछ है लोग आपके जो आपके लिए दुआ कर रहे हैं। और साथ में आप सब लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जिस तरीके से हमारी जो कैंपेन थी डोनेट करोना के हवाले से, आप लोगों ने जो हमारी फ्रूट ड्राइव को कामयाब बनाया उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिला, बहुत सारी ऐसी फैमिली से मिला जो एहसास प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे, जिनसे शनाख्ती कार्ड लिया गया था कि उनके घर राशन पहुंचाया जाएगा, डेढ़ डेढ़ दो दो महीने से वो इंतज़ार कर रहे थे, उनके पास राशन नहीं आया। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर बग़ैर शनाख्ती कार्डों के रह रहे हैं और जो कि बिल्कुल भी किसी भी हुकूमत के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है वो लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मुझे हिम्मत मिली और मैं उन लोगों तक पहुँच सका राशन के हवाले से। फिर बाद में एक छोटी सी एक कैंपेन साथ में शुरू की, इसलिए कि बहुत सारे हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं या जो सिंध के लोग हैं, वो ज़्यादातर बच्चे, उनके पास जूते वगैरह नहीं है, उसमें भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे मेरे दोस्तों का शुक्रिया जो सपोर्ट करते रहें। इसके अलावा थोड़ा सा देखें, कोई ना कोई चीज़ ज़िंदगी में जो है ना वो आपको सिखाती है, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती, किसी पर्पज़ के लिए होती हैं चीज़ें। और अगर एज ए इंसान, एज ए मुसलमान मैं इसको देखूं तो मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा सा अपनी यकीन के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 22-23 साल जो है वो यकीन की मेहनत की, नमाज, रोज़ा हज, ज़कात वगैरह सारी चीज़ें बाद में ही, लेकिन असल चीज़ यकीन था। तो थोड़ा सा हमें अपनी यकीनों पर काम करने की सख्त ज़रूरत है, मुझे भी, हम सबको। तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, जब आपका ईमान मजबूत होता है तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ के अंदर अचीव करना इजी हो जाती हैं, इसलिए कि ये बेसिक्स हैं, ये हमें बेसिक्स से नहीं हटना चाहिए। तो मुझे तो ये बीमारी ने अभी तक यही सबक सिखाया है। और एक और चीज़ हमेशा मैं कहता रहा हूँ
कि अपने लिए ज़िंदगी गुजारना वाकई बहुत आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आसान काम है, लेकिन हमें साथ में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हकीकत में बहुत ज़रूरतमंद हैं, बहुत ज़रूरतमंद है, और उनका काम करने के लिए, उन लोगों तक पहुंचने के लिए आपको किसी कुर्सी की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा करें, लेकिन करें ज़रूर, करें ज़रूर, थोड़ा सा करें। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग नज़र आएंगे, मिलेंगे, आप जानते हैं उनको कि उन तक जो है वो किस तरह उनका ख्याल रखा जाए इस मुश्किल हालात में। तो हमारे तो जो मुल्क घुमापुरम है उसके अंदर ठीक है वबा है, इससे लोग मुश्किलात में हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है हमारे लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहें, और जिस तरह मैंने जितने भी गवर्नमेंट की SOPs है उसको लाजमी फॉलो करें, आपकी अपनी सेहत की बात है। एंड देन मैं दोबारा कहूँगा कि आपको लड़ना पड़ेगा, कोई भी बीमारी होती है तो उससे लड़ना पड़ता है, खुद लड़ना पड़ता है, खुद अपने आप को खड़ा करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे बेहतर हो रही है चीज़ें, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द दोबारा अल्लाह सेहत दे और दोबारा उस फूड ड्राइव को मैं कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह, आप लोगों की सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह। अच्छा मैसेजेस भी साथ में मैं पढ़ लेता हूँ फैंस से बात करना, इसलिए कि फैंस हैं तो सब कुछ है। मलिक जुहेब, थैंक यू सो मच मलिक, और रूबुल इस्लाम बांग्लादेश से थैंक यू सो मच, थैंक यू पताशा डॉल जी, थैंक यू आपकी दुआओं का। अजहर अब्बास, गेट वेल सून लाला, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर। इसके अलावा अमादुल हक, स्टेबलेस लाला, थैंक यू अमाद, फहीम असद, थैंक यू फहीम, मुसर्रत कुरैशी जी, थैंक यू सो मच मुसर्रत। इसके अलावा जल्दी जल्दी मैसेजेस आ रहे हैं, पढ़ा नहीं जा रहा, जल्दी आ रहा है। नवाल गफूर, थैंक यू नवाल जी, आसिफ, थैंक यू आसिफ, आपका सैयद हम दागे से खबर ना, ये बार बार जो है ना मुझे ये तंग किया जा रहा है, बार बार मुझे काटने की कोशिश कर रहा है ये। तो इसके अलावा सैयद मोहसिन भट, थैंक यू मोहसिन, जहीर अब्बास, थैंक यू जहीर साहब, हुमैरा गुल, हुमैरा थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार थोड़े मुश्किल से नाम नज़र आ रहे हैं गुजरात, आयशा अमीद, आयशा थैंक यू, सैमा खान थैंक यू सैमा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है सारा कुछ। और कौन है जी, आदिल बुखारी, आदिल थैंक यू, मोहम्मद काशिफ, काशिफ थैंक यू सो मच इंशाल्लाह, रुमान आमिर थैंक यू लाला, प्लीज़ स्टे सेफ, आयस थैंक यू, गेट वेल सून, उमेरा उद्दीन, सिकंदर, मीर आदिल, थैंक यू मीर, और इंशाल्लाह थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और मैं अपनी छोटी को मैं दिखा दूँ, इसको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, इसके मैं करीब जा ही नहीं पा रहा बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ थी मेरे लिए इस बीमारी में, वो ये जो है ना मेरी अरवा, दिल वो कैसा गाना यार, अस्सलाम वालेकुम बाबा बच्चे अस्सलाम वालेकुम, खाइए, ये मेरी अरवा है जिसे मैं मिस कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। और जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिल अता फरमाए, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें प्लीज़, थैंक यू सो मच।